Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Sajjad Siddiqui, currently working in Multan as consultant psychiatrist and medical director of National Psychiatric Hospital and Drug Rehabilitation Center and Care Autism School. I'm also the chair of Liaison Psychiatry, PIL Pakistan. आज मैं bipolar affective disorder day के हवाले से बात करूँगा. We all know that this day is celebrated in the month of March and it is linked with birthday of one of the renowned Dutch artist Vincent van Gogh, who was diagnosed with bipolar affective disorder. And unfortunately, he was a very genuine artist, made lot of paintings, but unfortunately he committed suicide at a very young age. तो उसकी मुनासबत से हम 30 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं. और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये ऐसा मूड डिसऑर्डर है कि जिसमें दो टाइप के एपिसोड्स आ सकते हैं. एक वो एपिसोड है जिसमें एक मरीज़ का मूड बहुत हाई होता है, बड़ा इलेटेड होता है, बहुत तेज़ी, बेइंतहा तेज़ी आ जाती है, नींद ख़त्म हो जाती है, उनके ज़हन में बड़े बड़े मंसूबे आते हैं और वो कहते हैं कि वो उनकी थॉट्स और उनकी स्पीच आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. और इस फेज़ को कंट्रोल करना कई दफ़ा घर वालों के लिए, पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ द पेशेंट टेंड्स टू लैक इनसाइट. उनमें वो शोर नहीं रहता कि वो बीमार हैं. और कई दफ़ा ये भी होता है कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट सीवियर डिप्रेशन का फेज़ आ जाता है कि जिसमें उनकी नींद अफेक्ट हो सकती है, उनकी भूख कम हो जाती है, उदासी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मायूसी वाले ख्यालात गलबा पा लेते हैं, कई दफ़ा ख़ुदकुशी के ख्यालात आने लग जाते हैं. और ये भी अपनी जगह ख़तरनाक फेज़ है अगर सीवियर डिप्रेशन हो. अच्छी बात यह है कि अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए तो इन दोनों फेजेस के लिए अद्वयात भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं कि थेरेप्यूटिक सपोर्ट यानी काउंसलिंग की सहूलत भी मौजूद है. बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कई दफ़ा ये फैमिली में, इसका जेनेटिक लिंक बड़ा स्ट्रांग है, ये फैमिलीज़ में रन करता है. तो इसके हवाले से सबसे जो आज का मेरा मैसेज है वो हमारी जनरल पब्लिक के लिए वो ये होगा कि आप को अगर ये पता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा मरीज़ मौजूद है तो सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि इसकी मेडिसिन कुछ अर्सा चलती हैं, लगातार अगर मेडिसिन दी गई है तो डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की हिदायत के बग़ैर मेडिसिन की डोज़ कम या ज़्यादा ना करें और मेडिसिन बंद बिल्कुल भी ना करें. जो रेगुलर फॉलोअप्स हैं वो प्लान फॉलो करें, डॉक्टर को वक्त पे दिखाएं. और कुछ इसमें वार्निंग साइंस होते हैं, मसलन किसी भी स्ट्रेस की वजह से अगर मरीज़ की नींद कम होती जा रही है या वो गुस्सा ज़्यादा करने लग गए हैं या आपको लगे कि उनकी जो इनसाइट है, उनका शऊर, वो इनसाइट मुतासिर हो रही है या बात बे बात वो इरेशनल डिसीजन लेने लगे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है ये एक वार्निंग साइन है, एक रेड लाइट है. यहाँ पर हमें थोड़ा एक वो उसकी ज़रूरत है कि हम ये समझें कि ये मरीज़ दोबारा से बीमारी की तरफ जा रहा है और बेहतर है कि इनका चेकअप दोबारा करवाया जाए. इसके साथ ही साथ इन मरीज़ों को कई दफ़ा मेडिसिन चल रही है, उसके साथ ही साथ कि वो कैसे कोप करें स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट से, इनको साइकोथेरेपी और वो हेल्प भी बहुत सपोर्ट करती है. वी ऑफर दिस सर्विसेज एट नेशनल साइकेट्रिक हॉस्पिटल मुल्तान. एंड आई थिंक इस हवाले से मैं दोबारा रीएम्फेसाइज यही करूँगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्क लाइफ बैलेंस और उसके साथ साथ आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन की यूज़ करना, काउंसलिंग सर्विसेज को इस्तेमाल करना और पूरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करना. क्योंकि जब मरीज़ बीमार होता है तो उस वक्त उसमें तो इनसाइट नहीं होती, उस वक्त उसकी फैमिली जो है दे आर द बेस्ट पर्सन हु टेक लाइक एक्टिव डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.